आज जैसे कि हमारे यहाँ पे ग्रामीण वासियों का रास्ता है, आम रास्ता है, तो हम गांव वाले आते जाते रहते हैं इस रास्ते पे। जैसे ही कल बारिश, तेज बारिश होने के कारण मार्बल एसोसिएशन द्वारा बनाई गई डंपिंग यार्ड, जिसका सिलेरी जो पानी के बहाव के कारण बह के नीचे आ गया, सड़क पे आ गया, जिससे हमारे गांव वालों में आक्रोशित हो गए। वहाँ पे बाइक स्लिप हो गई, इससे आए दिन घटनाएं हो रही है। सिलेरी बह के खेतों में भी आ रही है, आसपास के खेत हैं वहाँ पे भी आ रही है, इससे फसल भी को भी नुकसान हो रहा है। आए दिन ग्रामीणों को दुर्घटना हो रही है। आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग है कि मार्बल एसोसिएशन से मांग है कि हमारी ग्रामीण जो ये सड़क है, इसको तुरंत प्रभाव से साफ सफाई की जाए और तुरंत प्रभाव से नाला बना के इसको निकास करे, सिलेरी का निकास जो है उसको चालू करे। ठीक है, आपका नाम? राजेश गुजर। और जाम की वजह से सिलेरी की रोड पर आ गई बिल्कुल, जो कई दिन दो तीन तो एक्सीडेंट हो गया आज, स्कूल जा बना कर बच्चों का, पिछले की बार रोड पर पिछले ही बार से वो जाम लगवाई। और कितने समय से ये व्यवस्थाएं खराब हो रही है? तो साल भर से ही हो रही है। मार्बल एसोसिएशन क्यों नहीं ध्यान ही नहीं दे रही? ध्यान ही नहीं दी रही है, जितनी तो आज वो काम करना पड़ियो। अब आ कह रही है साहब कि मैं तुरंत बनवा दे हमारा बार, क्यों तुरंत ऑर्डर कर दियो, काम चलवा चालू कर। मैं तो आई ऐसा नहीं है, तो फिर अगली बार और सोचा। हाँ, मांग आई है कई जो रोड है ना, मार्बल इंडस्ट्री जहाँ तक तो सीमेंट रोड चाहिए आप माने, और सीसी रोड, और एक तीन तीन फुट दोनों साइड में रोड बढ़नी चाहिए, जो रोड सक्रिय है जो आदमी निकल नहीं सके। वन बैग है जी वहाँ से डंपिंग गाड़ी के संडे संडे दीवार। नाम हरदेव गुजर, पूर्व सरपंच ग्राम टोंकड़ा, तहसील पंचायत खातोली। 12 महीना दो साल हो गया ये समस्या अंदर सिलेरी आ रही है, पाची कर रही है। अब माँ को कहना वही है ने कि जटा तक ये डंपिंग पुरानो डंपिंग है भी, आप एसोसिएशन वाला दीवार नहीं करे जटा तक समस्या हल नहीं हुए। आज की समस्या सिलेरी ना हटा रही, मगर फिर बाद में आज सामना आई, तो माँ की मांग आई है कि दीवार हुए ठे टू ठे तक टोंगड़ा में लगा इंटरेस्ट एरियो जटा तक सीसी रोड हुए पक्की। आ रोड है जिसकी तीन तीन फुट साइड में और बढ़ाई जावे, ताकि आवाजा वाला ने कोई प्रकार की समस्या नहीं रहे। मां की तो आई है मां। आज आप लोगों ने जो जाम किया है, किस बात को लेकर किया और क्यों किया है? सिलेरी की वजह से किया साहब, गांव वालों को आवागमन बिल्कुल बंद हो गयो, मजदूर जावे, बच्चा बच्ची स्कूल में पटवाड़ा जावे, चार पांच गाड़ियां निकले हमेशा स्कूलों के मान प्राइवेट बच्चों की, मजदूर भी जावे। मामला सामने है कि कोई घायल भी हुआ है? हाँ, दो टीचरों के लागी कर गई, अच्छा दो मजदूर भी पिछलर पड़ गया कर गया, ये वजह है ना आज आप वो जाम ही वजह लगवाई हमें। ठीक है, नाम बताओ? मारा नाम प्रभुलाल है। मार्बल एसोसिएशन ने निर्देश दे दिए हैं जितनी भी ये रोड साफ करेगी और भविष्य के लिए इस पर वाल बना के और इसका निकास करेगी, ताकि भविष्य के अंदर कोई भी सिलेरी सड़क पर नहीं आवे। और सड़क दुरुस्त कराने के लिए माननीय विधायक जी से निवेदन करेंगे कि वो भी हमारे पार्टी हैं, हमारे संरक्षक हैं और कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि वो इसको थोड़ी राजस्थान सरकार से बजट ला के करे, यह हमारे सहयोग से और राजस्थान सरकार के सहयोग से मिलकर इस रोड को चौड़ी करावे और इस रास्ते को नीट एंड क्लीन कराओ। सब से डंपिंग यार्ड क्षतिग्रस्त है, उसका पानी बह के रोड पे आ रहा है और ग्रामीणों के खेतों में भी जा रहा है, ग्रामीणों की शिकायत भी है। मार्बल एसोसिएशन ये इस साल अकस्मात इतनी तेज बरसात होने के कारण ये समस्या आई है, वरना इतने वर्षों तक ये समस्या नहीं आई थी। आज भी ग्रामीणों का आरोप है कि हमारे रास्ते निकलते समय कई लोग घायल हुए हैं, ये हमने खुद ने देख लिया अपनी आंखों से और हम देख रहे हैं, और ये हमें पूरी संवेदना है गाँव वालों के साथ में, और हम इसका भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, निर्देश दे दिए हैं, चाहे जितने साधन लगो ये रास्ता क्लीन आज की तारीख में करने का काम शुरू कर दिया।